जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कौसर ट्रेडिशनल के साथ। आज की मेरी रेसिपी है ओकरा यानी भिंडियों की, और मैंने लिया है ऑयल 3 से 4 टेबलस्पून। अब इसमें मैं भिंडियों को फ्राई करूंगी। भिंडियों को मैंने पहले वॉश कर लिया था और फिर ड्राई किया है, अब इसे करूंगी मैं फ्राई। अब इसे फुल फ्लेम के ऊपर हम फ्राई करेंगे। जी तो भिंडियां हमारी हो गई हैं फ्राई, अब इनको बाहर निकाल लेंगे। अब ऑयल को हमने वेस्ट नहीं करना, इसी को दोबारा यूज करेंगे। अब फ्लेम को करेंगे बंद। तीन सौ ग्राम मैंने प्याज लिया था स्मॉल साइज का, वो इस तरह से मैंने कट कर लिया। और 800 ग्राम भिंडियां थी। अब प्याज को भी थोड़ा सा हम ब्राउन करेंगे, गोल्डन सा, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। प्याज को हमने मीडियम ही ब्राउन करना था, तो साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर की पेस्ट ऐड करूंगी। अब इसे भी 2-3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। आधा केजी भिंडियां थी और 300 ग्राम प्याज अनियन। लहसुन को हमने इतना को भून लेना है इसकी स्मेल खत्म हो जाए, और साथ ही इसमें डाल देंगे हम अब भिंडियां। साथ ही मैंने साबुत ही ग्रीन चिली ली है, वो इसमें ऐड कर दूंगी। और साथ ही इसमें 1 पाव टमाटो लिए थे 3 मीडियम साइज के, वो मैंने इस तरह से कट कर लिए, वो इसमें ऐड कर दिए। और साथ ही इसमें जाएंगे अब स्पाइसी मसाले, और मसाले हमारे 1 टीस्पून साल्ट, और 1 टीस्पून साल्ट जाएगा इसमें, और 1 टीस्पून गर्म मसाला, और 1/2 टीस्पून अजवाइन जाएगी, और साथ में जाएगा 1/2 टीस्पून कुटी हुई रेड चिल्ली, और 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, और 1/2 टीस्पून टर्मरिक, और 1 टीस्पून अनारदाना पिसा हुआ कुटा हुआ, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर।
मसाले आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर ही कुक करेंगे। अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। और ये रही इसकी फाइनल लुक मसाला भंडी की। बहुत मज़ेदार रेसिपी बनी है। और मेरे चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।